हेलो बच्चों, कैसे हो? दिस इज़ आयुष टांग एंड टुडे विल स्टार्ट आर एक्सरसाइज 8.2। पर 8.2 चालू होने से पहले अपन बात करेंगे उसके एंगल्स के बारे में कि उस एक्सरसाइज में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद स्पेसिफिक एंगल्स। नाउ गाइस समझो, एंगल्स इन्फानाइट तक होते हैं। साइन अपन लोगों ने, आप लोगों ने लाइन से एंगल्स पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। अपन 30 डिग्री सुनते हैं, 45 डिग्री सुनते हैं, 75 डिग्री सुनते हैं, 105 डिग्री सुनते हैं। एंगल्स कैसे भी हो सकते हैं, एंगल टोटल 360, जीरो से लेकर 360 तक होते हैं। इनफैक्ट उससे आगे भी जाते हैं एंगल, एंगल 1050, एनीथिंग, एंगल इन्फानाइट तक होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट बच्चों, अपन हर एंगल की वैल्यू याद नहीं कर सकते, तो देयर आर सम स्पेसिफिक एंगल्स। 5 ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू मुझे याद करनी पड़ेगी, मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री, ऐसे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, और उन 5 एंगल के साथ पेयर अप करके मुझे उनकी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर 30 वैल्यूज़ होगी जो मुझे याद करनी पड़ेगी। नाउ गाइस, आई नो इट्स अ टफ टारगेट, कि इतना इजी नहीं है कि याद करना, बट उसको बनाना बहुत इजी है बच्चों। मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा और दुनिया के तमाम टीचर उस तरीके से ही सिखाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट वीडियो को कंटिन्यू देखना, मैं लास्ट में एक तरीका है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं मेरे लाइव जो कोचिंग पे क्लासेस चलती है वहाँ तो मैं उनको सिखा देता हूँ, वहाँ तो मैं कैशबैक गारंटी देता हूँ। बट गाइस, मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं यूट्यूब पे भी इसको उस तरीके को सिखा सकूँ। पर गाइस, वो तरीका है, दैट इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि कैसे याद करना है। उस तरीके को सिंक्रोनाइज करके आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? ना देखो, मैं शुरू अभी से करता हूँ शॉर्ट ट्रिक की, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आए, ठीक है बच्चों। सो मैं एक बताता हूँ कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक एंगल है जो मुझे याद करने हैं। किसी को याद नहीं करना तो वीडियो को स्किप कर देना, और टेबल कैसे बनती है वो देख लेना, ठीक है। वो तरीका कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं याद करना सिखा रहा हूँ गाइस, आई कैन ट्राई। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन डालिए, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ स्पेसिफिक कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। प्लीज़ इसको इसी क्रम में या इसी प्रोसेस में याद करें, 0, 30, 45, 60, 90। मैं स्टार्टिंग से ट्रिक सिखा रहा हूँ गाइस, तो प्लीज़ ध्यान देना, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ मेरा है, किसी भी वीडियो में तुम्हें नहीं मिलेगा। 0, 30, 45, 60, 90, प्लीज़, दीज आर द 5 स्पेसिफिक एंगल्स दैट यू हैव टू लर्न गाइस। और हंस के करो या रोके करो, 11th में तो करना ही है यार, ठीक है। बेटर है कि याद करते रहें। साइन 0, 30, 45, 60, 90, प्लीज़ वीडियो पॉज करो, याद करो फटाफट। याद हो गया बच्चों? 0, 30, 45, 60, 90, डन ना। चलो अब टेबल बनाना भी सीख लेते हैं हम लोग, बनाते कैसे ना बच्चों। देखो मैं 0, थोड़ा सा स्पेस देते हैं अपन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन लाइन खींचते हैं अपन, फिर थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो जाए, पर वैल्यू प्रॉपरली नोट करना बच्चों, डन। फिर एक स्पेस देता हूँ यहाँ पे मैं, वो शॉर्ट ट्रिक का स्पेस है मेरा। नाउ देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस जैक, ठीटा लिखने में आदत पड़ जाती है। हम तो 11th 12th पढ़ाते हैं, IIT पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ना। अच्छा, ये यहाँ लाइन छोड़ो, ये बिगड़ गया अपना है। चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉजैक, क्या यहाँ तक क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अभी जो सिखा रहा हूँ बच्चों आपको तरीका, ये तमाम स्कूल के टीचर सिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हो तो ज़रा देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, जीरो लिखेंगे, जीरो जीरो के नीचे जीरो लिखेंगे। ये तरीका है टेबल बनाने का, याद करने का तरीका नहीं है, वो तो मैं लास्ट में सिखाऊंगा, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए बच्चों। 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिखो, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा आप लोगों ने, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। फिर करो जब ख़त्म हुआ है, डिवाइड बाय फोर एंड डिवाइड बाय फोर लिख दो, ठीक है बच्चों।
0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, क्लियर बच्चों? तो 0 1 2 3 4 देन सबको डिवाइड बाई 4 कर दिया, फिर मैंने लगाया सब पे रूट, सब पे लगाया रूट। ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, 0 1 2 3 4 लगाया फिर डिवाइड बाई 4 कर दिया, देन सब पे मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, क्लियर बच्चों? ज़रा खुद देखो बच्चों, ज़रा खुद देखना अच्छे से, क्या साइन 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इनका यूज़ करके आएगी। सो ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज़ 0, तो ये आ गया 0। सो गाइस प्लीज़, ये सीक्वेंस वही जो मैंने स्टार्टिंग से याद करी है, 0 से 0 शुरू हुआ था, साइन 0 डिग्री 0, याद करो, कुछ कुछ चीज़ें याद कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। साइन शुरू हुआ है 0 से, टेबल को इमेजिन कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस है 0 30 45 60 90, परफेक्ट। सो साइन 0 से 0 क्या आया, स्टार्टिंग में मुझे क्या मिला, 0 पे 0, याद हो गया। चलो बच्चों 1/4 देखो, 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट कितना होता है 2, तो साइन 30 डिग्री कितना आता है, हाफ। अच्छा 2 से 4 कटा तो 2 आया, ऊपर बचा 1, 1 का रूट तो 1, 2 का तो क्या हो जाएगा, √2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, आई नो वेरी वेल, कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत वीक है, तो प्लीज़ ट्राई करें, बेटर है वापस वीडियो को पीछे ले जाओ, वापस देखो, ठीक है? तो ये कितना आया, 1/√2, क्लियर ना? 3 का रूट होता नहीं है, तो 3 का क्या हो जाएगा, √3, और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन 60 डिग्री आता है √3/2, साइन 45 डिग्री आता है 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है हाफ, एंड साइन 0 की वैल्यू है 0, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नो लास्ट देखो, ये और ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1, परफेक्ट। तो साइन 90 कितना आया, 1। तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो, प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करो, सब लोग वीडियो पॉज करो, साइन वाला सबको, सब लोग साइन वाला याद करो, 0 1/√2 √3/2 1, शुरू होता है 0 से ख़त्म होता है 1 पे, शुरू होता है साइन 0 पे ख़त्म होता है 1 पे, मतलब साइन 90 क्या हुआ, 1। पहले सब लोग याद करो 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90 याद करा सब लोगों ने, 0 30 45 60 90, इमेजिनेशन प्रॉपर हो जाना चाहिए बच्चों, शुरू होता है 0 पे ख़त्म होता है 1 पे, याद हो गया? प्लीज़ फोकस फोकस करो बच्चों, ठीक है? कॉस की बात करते हैं, आ जाओ, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, जो साइन का लिखा है ना उसको यू रिवर्स कर दो, खींच दो, उधर की चीज़ इधर, इधर की चीज़ उधर, वो जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे, ये जो लिखा है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों? और ये सेंटर का सेंटर में रह गया, हाफ आ गया वहाँ पे, 0 आ गया वहाँ पे, तो जस्ट मैंने चीज़ों को रिवर्स कर दिया, उधर जो था वो इधर आ गया, इधर का उधर चला गया, परफेक्ट। तो भाई साहब ये दोनों एक जोड़ी हो गई, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? प्लीज़ पॉज करो वीडियो को, 2 मिनट का आराम दो दिमाग को, और ये साइन वाला याद करो, 0 1/√2 √3/2 1, ऐसे याद करो, याद हो गया? चले बच्चों आगे ना देखो, और एक और चीज़ खाता हूँ तुम्हें, जीवन के सबसे अमूल्य मैं तुम्हें याद कराऊंगा वो ये 3 याद कराऊंगा, ये 3 वापस अपने आप याद हो जाएंगे, ये 3 याद करने हैं, तरीका होता है इनका भी, और ये 3 अपने आप याद हो जाएंगे ना। चलो अब सबको पता है बच्चों 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, सबको पता है साइन अपॉन कॉस 10 का फॉर्मूला होता है, पता है? तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो मैं बोलता हूँ, मैं सिखा देता हूँ एक बार लिखना, फिर आप लोगों को करना है। अगर मेरे को निकालना है 10 0 डिग्री, मुझे बच्चों निकालना है 10 0 डिग्री, तो क्या हुआ, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, या सुन लो, कॉस साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0, इसकी वैल्यू क्या है, 1, 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, ठीक है ना? यहाँ पे सो बच्चा फंडा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 0, डन। वैसे ही 10 30 डिग्री, मतलब अगर मुझे 30 निकाला, साइन 30 हो जाएगा अपॉन कॉस 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, ये है √3/2, 2 से 2 गॉन, तो क्या आया, 1/√3, क्या फंडा क्लियर हुआ? तो इसकी वैल्यू क्या आई, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। प्लीज़ कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट करने वाला हूँ, यह आया बच्चों 1/√3, ज़रा सोचो, डायरेक्ट डिवाइड किया, 2 से 2 गया, 1/√3 बचा,
इधर देखो शटाक और शटाक दोनों कट गए तो क्या बचा वन। बच्चों इस वैल्यू को याद कर लो, टेन 45 डिग्री क्या होगा वन। कैन यू फील दैट 45 बीच में आता है, 0, 30, 45, 60, 90 तो 45 सेंटर में आ रहा है, इधर के दो 45 बीच में आ रहा है ठीक है। सो प्लीज़ लर्न दिस 10, 45 डिग्री वन क्यों करा रहा हूँ यहाँ, बिकॉज एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या आरबीसी वाले बच्चे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, तो वहाँ पे क्या है 10, 45 का यूज़ बहुत ज़्यादा है, 10, 45 का यूज़ भयंकर है। सो प्लीज़ याद करें 10, 45 डिग्री वन, पॉज द वीडियो एंड याद करो इसको, कर लिया याद बच्चों। चलो आगे चलते हैं बच्चों, ये देखो ये और ये डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 गॉन, क्या बचा सिर्फ √3। अब ध्यान से 1/0 इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 को ध्यान रखना, आप लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड, प्यार से बोलूंगा एनडी, या इसको हम लोग ये और कहेंगे इन्फाइनाइट, क्या बोलेंगे इन्फाइनाइट। इस चीज पे ना 11वीं में 11th में बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर बन जाते हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छे चैप्टर बनते हैं इस पे, नॉट डिफाइन पे जान ले लेता है, जान नहीं समझ लो आईआईटी की जान नहीं है, पर अभी 10th में लोड मत लो बिंदास रो तुमने। चलो सो 10 का आ गया 1/√3 और उधर आ गया आई थिंक 10/45 सबको याद हो गया। नाउ जैसे कि साइन और कॉस में जोड़ी थी वैसे 10 और कॉट पे जोड़ी है, जैसे उधर की चीज़ इधर ले आओ ठीक है, इन्फाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे, √3 यहाँ आ गया, ये सेंटर का सेंटर में रहा, ये वहाँ चला जाएगा और ये चीज़ वहाँ चली जाएगी 0, परफेक्ट। इसको भी मैंने खींच दिया, डन, चलें अपन आगे बच्चों, परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सेक की बात करते हैं, सो गाइस सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos, बच्चा बच्चा जानता है सेक होता है 1/cos। थोड़ा सोचो अगर मुझे निकालना है बच्चों सेक 0 डिग्री निकालना है तो ये बोले तो 1/cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, 1/1 बोले तो 1 ठीक है। मुझे निकालना है सेक 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री, मतलब 1/cos 30, मतलब cos 30 कितना है √3/2, रिवर्स कर दें तो क्या जाएगा 2/√3। अच्छा सर मतलब जो जो लिखा है उसको उल्टा कर दें, हाँ उल्टा कर दो क्योंकि 1/1 है ना इसलिए। सो चलें अपन धनाधन काम करें अपना, चलो तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 1/0 का सर 0 कर दूँ, नहीं ये हो गया 1/0 और अभी बोला था 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, बोले तो इन्फाइनाइट, ये टेढ़ा जा रहा है कि बच्चों। चलो क्या होता है इन्फाइनाइट, नॉट डिफाइन या बोलेंगे इसको इन्फाइनाइट। अरे बाबा 1/0 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/0 होता है नॉट डिफाइन, बोले तो इन्फाइनाइट, ये बात ध्यान रखना बच्चों अच्छे से। चलो सर सबके जोड़ी है सबके कपल है, ये रहा ये दोनों, इसका भी होगा हाँ इसका भी है, कॉसिक होता है 1/1 तो उसका रिवर्स कर दो, नॉट डिफाइन इन्फाइनाइट, वो का 2 यहाँ आ गया, √2 यहाँ चला गया, ये 2/√3 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ चला गया। सर जोड़ी से करा क्या कॉज है कि क्वेश्चन 1/sin भी होता है तो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जरा देखो इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया, इसका भी रिवर्स कर, 1/1 तो 1 होता है, क्या बात समझ में आई गाइस। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स कौन 0, 30, 45, 60 और 90, क्या बात क्लियर है। सो गाइस अब हम लोग सीखेंगे इसको याद करने का तरीके हैं, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं कैसे याद करें, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि हम लोग मैं सिखाऊंगा आपको कैसे इन एंगल्स को याद करना है बच्चों, बनाना सीख लिया आप सब लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक कुछ लोगों को बनाना आता भी होगा, तो अब हम सीखते हैं कैसे याद करते हैं। देखो बच्चों मेहनत लगेगी, मैं सिर्फ तरीका सिखाऊंगा बट करना आप ही को है ठीक है बच्चों। देखो ये पता नहीं 0, 0, 30, 45, 60, 90 क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बच्चों 30 जो है ना 60 का डबल है, क्या कह सकता हूँ मैं 30 जो है 60 का डबल है, 45 सेंटर वाला और एकदम कॉर्नर वाला 0
और इधर वाला 90, क्या हम देख सकते हैं एकदम एक्सट्रीम वाला 0, इधर 90, 30 और 60 का एक व्यवहार, एक रिलेशन है, और बीच में आ रहा है 45। पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर लो बच्चों अपने अपने कॉन्सेप्ट को कि 0, 90, 30, 60 और बीच में क्या आ रहा है 45 आ रहा है। आई होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा, याद हो रहा होगा, 0, 90, 30, 60, बीच में 45। बट एक मेहनत तो करनी पड़ेगी, साइन का याद करना ही पड़ेगा। 0 शुरू होता है, ख़त्म होता है 1 पे, बीच में आता है 1/√2, ये हाफ और √3/2, ये 3 तो याद करने पड़ेंगे। आई थिंक ये 2 वैल्यू तो याद हो गई होगी। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो बच्चों, याद करो एक बार इसको, ठीक है, याद करो 0 ½ 1/√2 √3/2 1। प्लीज़ ऐसे बोलो 0 ½ 1/√2 √3/2 1। क्लियर हो गया, आंखें बंद करो और बोलो 0 ½ 1/√2 √3/2 1। मैं पक्का याद तो दिला दूंगा, बट प्लीज़ सीरियस रहो इस तरीके पे। कुछ मजाक होते हैं इन्हीं से तो मुझे याद होता है, वरना तो ना याद हो सकता है। सो 0 ½ 1/√2 √3/2 1, परफेक्ट, आंखें बंद करी बोला। नाउ अब आपको पता है कि हमने यहाँ से रिवर्स करा था, ठीक है, तो मैं एक लिंक बना रहा हूँ। याद तो मैंने सिर्फ साइन करा, बट मैं एक चेन बना रहा हूँ, एक लिंक बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। नाउ अगर कॉस 0 की बात करें, कॉस 0 है तो साइन 90 कितना है 1, क्योंकि वो दोनों ये और ये एक दूसरे से लिंकअप है। अगर मैं बोलता हूँ कॉस 0 तो कॉस 0 कितना होगा 1 होगा, बात क्लियर, क्योंकि साइन 90 क्या है मेरा 1 है। मैं बोलता हूँ कॉस 30 बोलो तो आप लोग जाओगे साइन 60 पे, साइन 60 कितना है √3/2, कॉस 30 कितना होगा √3/2। तकलीफ होगी इनिशियली, बहुत दर्द होगा, पेन होगा, बट आई गारंटी अगर आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे, डेली का 15-15 मिनट दोगे, आई गारंटी याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत अमेजिंग मेथड है ये और बच्चों। सो कॉस 30 तो जाओगे साइन 60 पे तो वो होता है √3/2, तो √3/2 आ गया। फिर मैं बोलता हूँ कॉस 45 तो कॉस 45 साइन 45 एक ही वैल्यू है, दैट इज़ 1/√2। पर मेक श्योर साइन वाला याद होना ही चाहिए, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। नाउ फिर बात करते हैं कॉस 60 की। कॉस 60 बोलूँ तो मैं साइन 30 पे जाऊँगा, साइन 30 होता है हाफ, तो कॉस 60 कितना हाफ। फिर लास्ट में बात करते हैं कॉस 90 की, तो साइन 90 कितना होता है बच्चों 1, साइन 0 कितना होगा 0, तो साइन 90 कितना होगा 0। तो ये क्रॉस लिंक इसको अच्छे से दिमाग में बैठे हैं, प्लीज़ वीडियो को एक बार पॉज करें, मेक श्योर ये साइन वाला याद हो जाए, भले ही वक्त लगे 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, बट प्लीज़ याद करो ऐसे 0 ½ 1/√2 √3/2 1, ठीक है। फिर कॉस याद करो। सो क्या मैं पूछूँ आप लोगों से, आप लोग जवाब दोगे मन में, हम लोग मिल नहीं सकते बट ऐसे मन में की बातें तो कर सकते हैं। सो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, कॉस 60 कितना होगा हाफ, कॉस 45 साइन 45 कितना होगा 1/√2 1/√2, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ कॉस 60 कितना होगा कॉस 30 हाफ, मैं बोलता हूँ कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 बोला है तो साइन 60 पे जाएंगे तो कितना होगा √3/2। ज़रा बोलो कॉस 0 डिग्री कितना होगा, बोलो सही, कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। मैं बोलता हूँ कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 यहाँ पे तो साइन 0 पे 0, तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी 0 आई। प्लीज़ थोड़ा सीरियस रहें, मेरे साथ रहें, हिले डुले नहीं, दिल को बहुत दर्द हो रहा होगा मुझे पता है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, पसीना आ रहा होगा, बट याद तो करना ही है हमको आज। क्लियर गाइस, हो गया, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें बच्चों, एक बार रिहर्सल करें साइन और कॉस के ऊपर, पॉज करो वीडियो को ना बच्चों। 10 पे आता है, 10 बहुत ईजी होता है याद करना, नॉट ए टफ डील, ठीक है। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, और ड्राइविंग सीट किसके हाथ में है, साइन के हाथ में है कि नहीं है, क्या बोला मैं, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन ड्राइवर सीट किसके हाथ में, साइन के हाथ में, तो जो साइन बोलेगा वो करेगा, तो 10 0 भी क्या होगा 0, साइन 0 है तो 10 भी क्या होगा 0, याद हुआ। ड्राइवर सीट किसके हाथ में, साइन के हाथ में, तो ये बोला 0, तो दोनों क्या हो गए यहाँ पे 0, परफेक्ट, याद हो गया। ये याद करा दिया था मैंने तरीके से, 10 45 कितना होगा 1 होगा, याद हो गया था ये, और ये तुम्हारे काम का नहीं था। 10 90 कितना होगा इन्फाइनाइट, नॉट डिफाइंड, हटाओ इसको तो भूल जाए, तो वो 0 याद हो गया, ये नॉट डिफाइंड याद हो गया, ये याद करा दिया था, 10 45 1 10 45 1 10 45 1, ठीक है। बात बची सिर्फ इन दो की वैल्यू में, बात आती है 10 30 और 10 60 पे, और दोनों में फ़र्क देखो, इसमें भी √3 आ रहा है कहीं ना कहीं, 1/√3 है, इधर भी √3, वैल्यू तो वही है, बस ऊपर नीचे की बात आ रही है, बस ऊपर नीचे। ज़रा सोचो 30 और 60 का व्यवहार तो यही है, 30 छोटा आदमी छोटी वैल्यू, 60 छोटा है ना,
टेन थर्टी क्या है, 30 डिग्री क्या है, 30 और 60 डिग्री में 30 छोटी वैल्यू है, छोटा आदमी, छोटे लोग कहाँ बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, तो ये क्या बैठा, 1/√3, 60 बड़ा आदमी तो इसका √3 ऊपर बैठा, इसका √3 नीचे बैठा, तो ये 1/√3 वो √3, आया कि नहीं आया मजा बच्चों। सो गाइस क्या बोला मैं, 10 45 1 10 30 और 10 60 की बात कर रहे हैं, 30 छोटा आदमी, छोटे आदमी कहाँ बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, तो 1/√3, 60 बड़ा आदमी, बड़ा लोग ऊपर बैठते हैं, तो ऊपर क्या आ गया, √3। सो गाइस एक रिविजन हो जाए, 10 0 0 क्योंकि साइन भी जीरो है, आई थिंक साइन सबको याद होगा। फिर 10 90 नॉट डिफाइंड छोड़ हटाओ, 10 45 सेंटर वैल्यू याद हो चुकी, क्या होती है 1, मेरे साथ मन ही मन में मुझसे आगे चलो, आप लोग वैल्यू बोलो, 10 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री तो छोटा लोग, छोटे आदमी नीचे बैठते हैं, तो 1/√3, 10 60 बड़े लोग ऊपर आदमी ऊपर बैठते हैं, तो क्या आया √3, क्या याद हुआ। प्लीज़ बच्चों पॉज करो, और ये जो मैं बोला जो तरीका सिखा दो ना, ये हाथ हिला के ऐसे बताना, यूँ बताना, ऐसे करो याद होगा, पॉज करो बच्चों याद करो इसको। नाउ छोटा सा क्विक रिवीजन अगेन साइन कॉस टेन के बारे में, कि सारी जो मेहनत है वो सिर्फ इन तीनों पे है, ये तीनों तो मजाक है अपने लिए, मजाक एकदम हो जाएंगे। सो इन तीनों पे बात करते हैं बच्चों, साइन का याद हो गया, 0 1/√2 √3/2 1 परफेक्ट श्योर। ना बात करते हैं कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 मतलब साइन 30 डिग्री, कॉस 60 मतलब साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई, आई कि नहीं समझ में। मैंने बोला कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री मतलब कॉस 90 तो मतलब साइन 90 कितना होगा, साइन 0 कितना होगा, 0, तो ये भी कितना आया 0। साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2 क्लियर बच्चों। 10 वॉज वेरी इजी, 0 उधर 1 नहीं 0 उधर नॉट डिफाइंड, बीच में 1 इधर रूट 1/√3 इधर √3, छोटे लोग बड़े लोग, क्लियर बच्चों। डन हो गया यहाँ तक, प्लीज़ 10 मिनट दो अपने आप को, 10 मिनट्स का गैप दो, वीडियो पॉज करें एंड प्लीज़ इन तीनों को रिवाइज करें, आई गारंटी याद होगा। थोड़ा सा 15 मिनट तकलीफ लोगे ना तो लाइफ सुधर जाएगी, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। चले नाउ बात करते हैं कॉट की, बात करते हैं सेक की एंड बात करते हैं कॉसेक की। सो आप सबको पता है कॉट सेक और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स, किसी ना किसी के रिवर्स होते हैं। 10 रिवर्स होता है किसका, कॉट रिवर्स होता है किसका, 10 का। सेक रिवर्स होता है 1/cos का, कॉसेक होता है 1/sin का, आई थिंक ये बात क्लियर है। तीनों ही एक किसी ना किसी के साइन, कॉस और टेन के रिवर्स केसेस हैं। सो ज़रा सोचो बच्चा, कॉट की बात करते हैं प्लीज़। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों अच्छे से याद है, कमांड हो गए हुए, रटना नहीं है, रटना सिर्फ इस वाले केस में, जो कि दो तो रटा दी है, तीन करनी थी वो हो जाएगी, इतना दिमाग सब में होता है। ये तीन हो गई है कमांड, लिंकअप टाइप सब हो गया है। एंड गाइस ऐसा नहीं कि अभी पढ़ाया तो अभी हो गया, इट विल टेक 10 डेज, किसी रिलेशन बॉन्ड में लाने के लिए टाइम लगता है, तो जो रिलेशन सिखा रहा हूँ, बॉन्ड सिखा रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा। मैंने तरीका सिखाया, इस तरीके रोज रिहर्सल करोगे 10 मिनट भी ना, बाथरूम में रिवीजन कर लेना, हो जाएगा, नहाते नहाते बोलते रहना अपने आप से, हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पर गारंटी 10 दिन में आपकी जो सोचने की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो आते हैं कॉट पे, मैं बोलता हूँ कॉट 30 डिग्री, मैं बोलता हूँ कॉट 30 डिग्री, तो 10 30 क्या था, 1/√3, रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मैं बोलता हूँ 10 45, तो 1/1 1 हो गया हटाए। मैं बोलता हूँ कॉट 60 डिग्री, तो 10 60 कितना था, √3, उल्टा 1/√3 1/√3 आ गया। मैं बोलता हूँ 10 cot 90, जो कि आपका काम नहीं आने वाला, तो भी cot 90 बोले तो 1/∞, उल्टा 1/∞ तो हो गया 0, 1/0 तो इन्फानेट, क्लियर। और यहाँ पे cot 0 बोले तो 1/0 क्या हो जाएगा, वो इन्फानेट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई, समझ में आया। प्रैक्टिस करें, पॉज करें अपने आप को, वीडियो को पॉज, अपने आप को नहीं, प्लीज़ याद करें, क्लियर बच्चों। सेक पे आते हैं, सेक होता है उल्टा कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, ठीक है। चलो सेक पे बाद में करेंगे, कॉसाइन कॉसेक पे करते हैं, कॉसेक इसी पड़ता है। कॉसेक उल्टा होता है साइन का, 1/sin, मैं बोलता हूँ कॉसेक 0, तो आप लोग बोलोगे 1/sin 0, तो 1/sin 0 होता है 1/0 बोले तो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। मैं बोलता हूँ कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, हाफ, उल्टा 2। मैं बोलता हूँ कॉसेक 45,
तो साइन 40 होता है 1/√2, उल्टा कर दो रूट टू हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कॉस एक्स 60, तो साइन 60 कितना होता है 1/1/ साइन 60, 1/√3, उल्टा कर दो √3/2। सीधी सी बात, 1/1/1 छोड़ो, डायरेक्ट उल्टा 2√3। फिर मैं बोलता हूँ कॉजेक 90, दैट इज 1/1/1 विल रिमेन 1। आई थिंक आपको पॉज लेना चाहिए, रिहर्सल करें इसके ऊपर भी, हो गया याद। चलें अपन सेक की बात करते हैं, थोड़ा पसीना ज़्यादा निकलेगा सेक के अंदर। सेक होता है 1/cos, सेक होता है 1/cos। अब के कॉस की जो डोर है ना, कॉस की टेबल हमको याद करी है हम लोगों ने, वो भी इंटरलिंक्ड है साइंस है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, आई थिंक 2 सेकंड लग सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो सेक 0 की बात करते हैं, तो 1/cos 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 आ गया। मैं बोलता हूँ sec 30°, तो cos 30 कितना होता है, सोचो टाइम, आपको टाइम लगेगा इनिशियली लेवल पर टाइम लगेगा, बट मुझे पता है कि जब मैं ये सोचूंगा तो मेरा दिमाग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मैं बात करता हूँ बच्चों 1 cos sec 30° की, sec 30 तो मतलब cos 30 कितना होता है 2√3, सॉरी क्या होता है अपना यहाँ पे आता है, तो इस बात करते हैं 3√3/2, तो उल्टा कर दो 2/√3। फिर मैं बात करता हूँ sec 45, तो वो तो 1/√3 दोनों में सेम होता है, तो √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं sec 60°, तो cos 60 कितना होता है हाफ, उल्टा कर दो कितना हो गया 2 हो गया। एंड लास्ट sec 90, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सो गाइस थोड़ी तकलीफ sec में आ सकती है, बट 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर आप बात करेंगे ना, तो आई गारंटी आपको ये टेबल बहुत अच्छे से हो जाएगी। इन तीन को याद करना नहीं है, इन तीन का फॉर्मूला है एक दूसरे का रिवर्स होना। sec होता है 1/cos, tan cot होता है 1/tan, cosec होता है 1/sin। पर आपका मेन मोटिव, जो मेन कमांड होती है बच्चों, वो होनी चाहिए यहाँ पे, sin, cos और tan। प्लीज़ ध्यान रखना बच्चों, sin, cos और tan अगर अच्छे से हो गया तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यू विल फील कॉन्फिडेंट कि यार मुझे आता है, मैं 10th क्लास में दूसरे बच्चों से अलग हूँ, और अलग होना ही हमारी खासियत होती है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, इस टेबल को याद करें, टाइम दो, हर चीज़ को टाइम चाहिए, होगा डेफिनेटली होगा। सो आई होप सो बच्चों आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, जो तरीका मैंने सिखाया है बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।